साथियों से आप सभी यहाँ पे आहुति देंगे, पुण्य लाभ उठाएंगे। आइए सीधे होके बैठे, अपने हाथों को जोड़ लें, एक बार गायत्री मंत्र सस्वर मिल के बोलते हैं सभी। जिन्हें नहीं आता है वो
समाज में
द्विवेदी के मध्य में स्थापित करें। जले हुए कपूर को ये द्विवेदी के मध्य में स्थापित कर दें जिनका जल चुका है। सभी यजमान हाथ जोड़ के बैठेंगे।
पुनः लेंगे। Oh।
कहा पितृ ऋण, दूसरा कहते हैं देव ऋण और तीसरा है ऋषि ऋण। पितृ अर्थात जिस प्रकार हमारे माता पिता ने हमें जन्म देके हमें योग्य बनाया संसार में, ऐसे ही हम अपने इस भौतिक संसार में जब हम भी माता पिता बने तो अपनी संतान को उत्तम शिक्षा उत्तम संस्कारों से ओतप्रोत करके समाज को प्रस्तुत करें। दूसरा ऋण कहा देव ऋण, देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर, संसार के समस्त देव हमें दे रहे हैं। इन देवों से पूर्ण होने के लिए नित्य घरों में अपने अग्निहोत्र आदि यज्ञ को करना, इस प्रकार से देव ऋण से पूर्ण होना कहलाता है। और तीसरा ऋण है ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण, ऋषियों ने जो ज्ञान प्राप्त करके सारे संसार को ज्ञान दिया, उस ज्ञान को प्राप्त करके उसको हम अपने तक सीमित नहीं रखें, उस ज्ञान को पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करें वेदांत सत्य शास्त्रों को, तब जाके इन ऋणों से हम ऋण होते हैं। इसलिए कहा इन तीन ऋणों से हर व्यक्ति बंध जाता है और इन तीन ऋणों के साथ सदाचार का एक सुंदर गुण अपने अंदर लाने का होता है कि हम कैसे रहें, हम एक सनातनी बन के रहें, सनातन से प्रेम करना है तो यज्ञ को भी धारण करो। कभी ऐसा समय था सिर पे टोपी और गले में जनेऊ हिंदुत्व की पहचान हुआ करते, लेकिन जब मुगलों का शासन हुआ तो सबसे पहले यही उतरवाए गए थे, कुंडल कुंडल ट्रक भर भर के लिए चोटियां काटी गई थी और यज्ञ को भी एक एक टन उतरवाए गए थे और सबको यहाँ फिर से जयराल के चक्र में फंसाया गया था। तो अब तो नहीं गुलाम हो, तो आइए हम सभी अपने संतानों का भी ये जो कभी संस्कार कराए। ये जो कभी है क्या कभी कहता है कि ये जो Yeah.
आसक्त होने के लिए नहीं है। कहा संसार की सारी
सामग्रियां परमात्मा तुमने मेरे लिए रचाई है, जैसे बहू के लिए सास का जो भाव होता है। सास अगर ये सोचे कि बहू मेरे लिए है तब तो बहुत सुखदाई है कि हाँ चलो बात मान रही है, चारों को मान रहा है तब तक तो अच्छा लगता है, कि चारों को न माने तो फिर वो दुख देने लगता है। इसलिए कहा हे परम इसलिए बच्चों को धार्मिक बनाओ। आपने जो संकल्प लिया ना, पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णा
ओम का झंडा ऊंचा रहे, बलवंतों